हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पढ़ाने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बिफोर यू वॉच द वीडियो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हमें देखने हैं। तो पहला पोस्टुलेट्स है इसका कि एटम प्लस एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड हुआ तो H2 फॉर्म करा, कार्बन प्लस फोर हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड हुए तो 4CH4 बनाया। और सेकंड पोस्टुलेट इसका है कि एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब ये दो टाइप से हो सकता है। तो LCA हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मेथड, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, और दूसरा है UA, यूनाइटेड एटम मेथड। तो LCAO मेथड ही मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है तीसरा इसका पॉइंट है कि नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब हो गया कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आती है कंडीशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, कि कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिससे मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो पहली कंडीशन है कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स वही होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बी से अगला पॉइंट है कि लेस एनर्जी डिफरेंस, कि उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, वही मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। और सी पॉइंट आता है सिमेट्री मैच होनी चाहिए, कि सेम सिमेट्री जब तक मैच नहीं होगी तब तक नहीं बनेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखिए फ्रेंड्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया है मैंने, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रियल होते हैं और मोनोसेंट्रिक होते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नॉन रियल होते हैं। हमें पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मीन्स हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं, इट इज़ ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। तो ये नॉन रियल होते हैं और मोनोसेंट्रिक होते हैं, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल नॉन रियल होते हैं और पॉलीसेंट्रिक होते हैं। जब हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी नहीं होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी नहीं होगा, बट मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल इतने ज़्यादा यूज होते हैं तो इसको हम सपोज टू बी रियल कह सकते हैं। इस वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल रियल और मॉलिकुलर ऑर्बिटल हम सपोज टू बी रियल कह सकते हैं, और ये पॉलीसेंट्रिक होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोज क्वांटम नंबर, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो फॉलो करेंगे क्वांटम नंबर NLMS सिमिलर, उसी के जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलो करते हैं क्वांटम नंबर स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल s, वैसे ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी फॉलो करते हैं क्वांटम नंबर। देखिए जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल NLMS, तो वैसे ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी n हो गया, l की जगह लैम्डा आ जाता है और m की जगह क्या आ जाता है, कैपिटल गामा, और s की जगह s रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे स्मॉल में क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं, स्मॉल गामा कहते हैं, थीटा कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, कप्पा कहते हैं, और पाई, स्मॉल पाई हो गया। और अगर इन कैपिटल में कहेंगे तो अल्फा को ए कहते हैं, बीटा को बी कहते हैं, गामा को कैपिटल गामा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा को कैपिटल थीटा ऐसे लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सिग्मा को कैपिटल सिग्मा ऐसे लिखा जाता है, पाई को ऐसे लिखा जाता है। ये कुछ नोमेनक्लेचर है। अब जैसे हम क्वांटम नंबर एल में L, अगर हम L लेते हैं तो उसके लिए क्या होती है, SPDF 0, 1, 2, 3 होता है। तो सेम इसी के लिए क्या है, लैम्डा के लिए 0, 1, 2, 3 में क्या वैल्यू होगी, नेम ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 के लिए डेल्टा हो जाएगा, 3 के लिए टो हो जाएगा, और 4 के लिए फाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट आता है, बी पॉइंट आता है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल और मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ऑल फॉलो 3 बेसिक रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब के सब 3 बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के। तो कौन कौन से वो रूल हैं,
ए रूल हो गया ऑफ बहु रूल। ऑफ बहु रूल आपको पता है कि स्मॉल एनर्जी ऑर्बिटल्स कम्स फर्स्ट की, पहले स्मॉल एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अब भी आता है हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है कि सिंगली पेयर्ड फर्स्ट, कि पहले सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और अगला इलेक्ट्रॉन शुरू से ही भरा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर सी पॉइंट आता है फ्रेंड्स पाउलीज रूल। पाउलीज रूल क्या कहता है, दो इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल ऑर्बिटल की, एक सिंगल ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम टू ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स जो पाउलीज एक्सक्लूजन होता है वो फॉलो करते हैं, जो पाउलीज के रूल को फॉलो करेंगे फर्मियोन्स। फर्मियोन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके फ्रेंड्स, और पाउलीज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे बोसोन्स। बोसोन्स में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो बोसोन्स में क्या होते हैं, मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन सिंगली ऑर्बिटल्स की, एक ऑर्बिटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं बोसोन्स में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नाइन्थ इसका पॉइंट आता है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर एनर्जी का इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एबीएमओ की होगी, तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसका टेंथ पॉइंट है कि ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो प्लस है, ये फेज है, हमने प्लस फेज ले रखी, प्लस फेज ले रखी का एडिशन कराया तो, और माइनस फेज और माइनस फेज का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो ये दोनों मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मैं प्लस फेज और माइनस फेज का अगर मैं एडिशन करता हूँ या माइनस फेज और या प्लस फेज का एडिशन करता हूँ तो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं तीन ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ तो प्लस, अगर तीनों की प्लस फेज का दो प्लस तीनों फेज का तीनों प्लस फेज का मैं अगर एडिशन करता हूँ तो बी एम ओ बनता है, अगर दो प्लस फेज और एक माइनस फेज का एडिशन करता हूँ तो एन बी एम ओ बनता है, यानी नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। अगर मैं लास्ट फर्स्ट और लास्ट की माइनस फेज और बीच की प्लस फेज का एडिशन करता हूँ तो ए बी एम ओ बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक प्लस फेज और एक माइनस फेज का एडिशन होता है तो ए बी एम ओ बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो अगर ये बनेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो इसका मतलब आउट ऑफ फेज चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर ये दो प्लस फेज का एडिशन कर रहा हूँ तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, इसका मतलब एडिशन होगा और इन दी फेज, वो फेज में ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब जो मैंने आपको बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने कहा था कि ये वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है और हम इसी पर ही अब पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे पहला है कि 1s और 1s आपस में कंबाइंड करते हैं, तो मॉलिकुलर एक्सेस, तो हम यहाँ पर मॉलिकुलर एक्सेस अगर कुछ ना कहा जाए एग्जाम में तो मॉलिकुलर एक्सेस या INA, ये इंडियन नेशनल एकेडमी नहीं है, INA हो गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस को जेड एक्सेस हम कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे प्लस और प्लस फेज का एडिशन हो रहा है, अगर प्लस और प्लस फेज का एडिशन हो रहा है तो एडिशन होगा, तो इसका मतलब BMO बनेगा, मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये जो हमें पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल आपस में अट्रैक्शन होगा तो ये पास आकर ये और ज़्यादा ये हो जाएंगे, मतलब और ज़्यादा इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब s कैरेक्टर और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर BMO का मतलब हो गया सिग्मा जिराड, मतलब जिराड हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सिग्मा जिराड हो गया है, तो यहाँ पर नोडल प्लेन जीरो होगा। नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो आ जाती है, तो यहाँ पर किसी भी टाइम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे एक प्लस फेज हो गया और एक माइनस फेज का अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब रिपल्शन होगा या सब्ट्रैक्शन हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो सब्ट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए बी एम हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अब जो ये रिपल्शन हो रहा है तो ये दूर दूर भाग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्लस इधर हो गया और ये माइनस इधर हो गया, तो इसका मतलब रिपल्शन हो गया। तो नोडल प्लेन अगर हम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाए, तो अगर हम ये बीच वाला प्लेन डाल के देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिल जाती है, तो इसका मतलब एक नोडल प्लेन हो गया इसमें। और
एक नोडाल प्लेन हो गया और ये सिग्मा अनजिराड हो गया। अनजिराड और अनजिराड फ्रेंड्स ये होता है कि अगर हम इसके मिडल में से एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर माइनस मिला तो यहाँ पर प्लस मिला तो ये अनजिराड हो गया। अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर अगर मैं मिडल में से एक लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव मिला, इसी इसी से मैं जितनी डिस्टेंस पर पॉजिटिव मिला तो इतनी डिस्टेंस पर पॉजिटिव मिला, इसका मतलब ये सिग्मा जिराड हो गया। जिराड एक लैटिन वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो अब एक क्वेश्चन, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इन CH4। तो CH4 में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो होते हैं कि सारे एटम्स के ऑर्बिटल्स, जितने एटम के ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चार तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हो गए, तो एक टू है, एक वन एस का ऑर्बिटल हो गया, एक टू एस का ऑर्बिटल्स हो गया और दो और तीन पी के ऑर्बिटल्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 1s2, 2s2 और 2p2 होता है, p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कितने आ गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 9 हो गए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्या था हमारा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड करने, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये 2s का ऑर्बिटल्स हो गया और 2p का ऑर्बिटल्स हो गया, तो ये चार हो गए। तो एक तो यहाँ से जब हम इसको कार्बन को एक्साइट कराया होगा तो एक ये बन गया होगा, 2s में वन इलेक्ट्रॉन आ गया होगा और ये 3p में चले गए होंगे और चार हाइड्रोजन के कूदते हुए आएंगे। तो ऑर्बिटल्स का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब पूछा है तो एक 2s का और 3p के, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल पूछा है, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, जो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सी का है, कार्बन का हो गया, 2s2 और 2p2 पार्टिसिपेट करा, तो इसमें कितने, तो ये 1 ऑर्बिटल हो गया। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1s2 हो गया, तो हाइड्रोजन 1s1 हो गया, तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का 1s1 हो गया, तो चार हाइड्रोजन के चार हो गए, तो 4, 3, 7 और 1, 8, तो कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हो गए, 8। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर हर बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा होमो होगा, कौन सा लुमो होगा, कौन सा सोमो होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये हमने एनर्जी का डायग्राम बनाया है ABCD। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराया यहाँ पर। तो अब मैं देखने जा रहा हूँ कि होमो कौन सा होगा। होमो होता है हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो हाइएस्ट है और ऑक्यूपाइड है और मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो क्या हो गया, सी हो गया। अब लुमो की बात कर रहे हैं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब वो सबसे लो होना चाहिए और अनऑक्यूपाइड, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो कौन सा हो गया फ्रेंड्स, डी हो गया। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, अब आता है लुमो। लुमो तो लुमो कौन सा हो गया फ्रेंड्स, लुमो हो गया आपका लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब लोएस्ट होना चाहिए और ऑक्यूपाइड होना चाहिए और मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसमें लोएस्ट कौन सा है, ए दिख रहा है और वो ऑक्यूपाइड भी है और मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये ए आ गया। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं दूसरा मैंने एनर्जी का क्रम लिया है, ABCD भरा है, अब यहाँ पे मैंने सी में एक इलेक्ट्रॉन भरा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो सी में होगा वही होमो होगा, वही लुमो होगा और वही सोमो होगा, मतलब होमो हो गया हाईएस्ट है, ऑक्यूपाइड है, एक इलेक्ट्रॉन भरा भी है इसमें। ओके फ्रेंड्स, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो गया, मॉलिकुलर हो गया और ऑर्बिटल्स हो गया। अब लुमो भी यही है क्योंकि लोएस्ट हो गया और अनऑक्यूपाइड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है फ्रेंड्स इसमें, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हो गया। और सोमो भी यही हुआ फ्रेंड्स, सोमो आप जानते हो, सोमो होता है सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लोमो क्या हो गया, लोमो हो गया लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो लोएस्ट कौन सा हो इसमें, ए हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, हमने लोमो सीख लिया, सोमो सीख लिया, होमो सीख लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि 2s+2s, जब 2s और 2s आपस में कंबाइन होंगे तो सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा जिराड, जो 2s होता है वो जिराड होता है और सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग 2s बनेगा और वो सिग्मा अनजिराड होगा। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि 2pz+2pz को कंबाइंड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2pz और 2pz आपस में कंबाइंड होंगे, तो हमें पता है p अनजिराड होता है, तो अनजिराड मैंने आपको बताई थी, अगर हम इसको पॉइंट मान के चलते हैं, अगर इससे जितनी डिस्टेंस पे अगर हमें
सेम फेज मिल गई है, और अगर हम इससे जितने डिस्टेंस पे यहाँ गए और जितने डिस्टेंस पे यहाँ गए, अगर हमें सेम फेज मिलती है तो वो जिराड होता है, अगर डिफरेंट फेज मिल गई तो वो अनजिराड ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये पी अनजिराड होता है, तो पी प्लस पी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम फेज हो रहा है, तो और है प्लस, मतलब एडिशन हो रहा है, तो एडिशन हो रहा है तो ये अट्रैक्शन होगा, दोनों के दोनों पास आ जाएंगे, तो क्या बन जाए, ये देखिए ये थोड़ा सा माइनस हो गया, मतलब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अट्रैक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, सिग्मा ऑर्बिटल्स बन गया। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा 2pz हो गया, या इसको सिग्मा जिराड भी बोल सकते हैं, और नोडाल प्लेन, मैंने आपको बताया था नोडाल प्लेन होता है, अगर बीच में से प्लेन डालते हैं, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है तो वो नोडाल प्लेन होता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं हुई, इसलिए इसमें नोडाल प्लेन हो गया जीरो। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने फेज बदल दी, एक प्लस फेज यहाँ पे और ये माइनस फेज है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो दूर चले जाएंगे तो कुछ ऐसा इस टाइप का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो अब अगर हम बीच में से प्लेन डालते हैं तो वो प्लेन डल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में जीरो आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में जीरो आ जाएगी, तो नोडल प्लेन वन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, अनजिराड हो गया सिग्मा स्टार। अब देखिए फ्रेंड्स, अनजिराड होगा, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ये एक से एक प्लस वाली फेज मिली, एक माइनस वाली, इसका मतलब ये अनजिराड ऑर्बिटल्स हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz / सिग्मा यू अनजिराड या नोडल प्लेन वन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से समझते जाना है और पूरी वीडियो देखनी है, आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा एमओटी, आप भी देखोगे कि एमओटी के पूरे नजरिए ही बदल जाएंगे आपके पढ़ने से, मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट आता है हमारा 4p, तो 2px और 2px कैसे कंबाइंड करते हैं और कैसे उसका वो बनता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ देखिए, हमें पता है 2px भी अनजिराड ऑर्बिटल्स हो गए, कि एक प्लस फेज होगी एक माइनस फेज होगी, तो हम दोनों प्लस प्लस फेज को, तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा प्लस प्लस फेज का, तो एडिशन से क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा और ये पाई ऑर्बिटल्स बन जाएगा, तो अगर हम इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, अगर इसको 180 डिग्री का में घुमाते हैं तो फेज चेंज हो जाएगा, अगर फेज चेंज हो जाए इसका मतलब, अगर किसी भी ऑर्बिटल्स को 180 डिग्री पर घुमाने से फेज चेंज हो जाती है तो वो पाई ऑर्बिटल्स हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्या हो गया, पाई 2px हो गया, क्या पाई जी अनजिराड हो गया। ओके फ्रेंड्स, और नोडल प्लेन अगर हम बीच में से प्लेन डालते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो नोडल प्लेन वन हो गया और पाई अनजिराड हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको, अब हमने क्या करा, फेस चेंज कर दी, अगर फेस चेंज करने से तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये देखिए दूर चले जा रहे हैं, ये जैसे ये माइनस इधर हो गया और ये प्लस इधर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये पाई स्टार हो गया, मतलब एंटी बॉन्डिंग 2py हो गया, तो ये पाई जिराड हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जिराड कैसे हुआ, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ से, ये बीच में से यहाँ से जितनी दूरी पर प्लस फेज मिली है उतनी दूरी पर प्लस फेज मिली है, यहाँ से जितनी दूरी पर माइनस फेज मिली है उतनी डिस्टेंस पर माइनस फेज मिली है, तो यह जिराड हो गया। अब फ्रेंड्स आते हैं नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कितना हो गया, एक प्लेन यहाँ से डलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, एक प्लेन यहाँ से डलेगा, तो दो नोडल प्लेन हो गए। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसे ही सिंपली हम 2py प्लस 2py का भी करेंगे, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, पाई 2py हो जाएगा, पाई अनजिराड हो जाएगा और वन नोडल प्लेन आएगा, और अगर हम इसमें सिंपली पाई स्टार में करेंगे तो 2py हो जाएगा और पाई जिराड हो जाएगा, और इसमें कितने नोडल प्लेन आ जाएंगे, दो नोडल प्लेन आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप ऐसे भी कर सकते हो कि वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर समझिए कि मैंने क्या क्या लिखा है और मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो अगर अब अगली कंडीशन है कि 2s और 2pz कंबाइन करें, तो 2s स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल के आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आप प्लस फेज कंसिडर कर सकते हो, माइनस फेज, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए प्लस फेज कंसिडर किया, और 2pz आपको पता ही है पी और मेटल संजिराड होती है, तो मैंने एक सेम फेज ले ली, तो सेम फेज में एडिशन होगा, तो एडिशन क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर बड़ा मोलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिग्मा sp हो जाएगा और सिग्मा अनजिराड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अनजिराड तो आप समझ ही के होंगे, क्योंकि अलग ही ऑर्बिटल्स है तो जिराड तो हो ही नहीं सकता।
जाहिर सी बात है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अब मैंने इसकी फेस चेंज कर दी, तो फेस चेंज करने से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये दोनों अब दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एस पी हो जाएगा, ये सिग्मा जिराड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स डी प्लस पी। डी प्लस पी क्या हो जाएगा, एक डी ऑर्बिटल्स होता है, हमें पता है डी ऑर्बिटल्स जिराड होता है। देखिए प्लस, ये जितनी डिस्टेंस पे प्लस ये है, इतनी डिस्टेंस पे ये माइनस है, और पी अनजिराड होता है, अनजिराड ऑर्बिटल्स होते हैं, प्लस फेज होगी माइनस फेज होगी, तो ये आपस में कंबाइंड करेंगे, देखिए सेम फेज होगी तो एडिशन हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, नोज वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी नोज वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो पाई ऑर्बिटल बनेगा, पाई डी पी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसे ही, अब मैंने फेज चेंज कर दी, ये माइनस फेज कर दी, ये प्लस फेज है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे से दूर दूर हट जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूर दूर हट गए, रिपल्शन हो जाएगा, तो पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग डी पी हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की, हम एनर्जी कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दी एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल हम इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स अपॉन कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे ओके फ्रेंड्स, जैसे एस पी मिक्सिंग होगी कि एस और पी की मिक्सिंग कितनी हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो एस पी मिक्सिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रेक्शन हो रहा है, जैसे एक्सरे डिफ्रेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है और साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब इन मॉडर्न टाइम्स में दी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रिडिक्ट की जा रही है बाय यूजिंग पीईएस, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक से आजकल की प्रिडिक्ट की जा रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर डायटोमिक सिस्टम्स, होमो डायटोमिक सिस्टम्स हो गया, टू एनर्जी ऑर्डर्स डिपेंड्स अपॉन एस पी मिक्सिंग। अगर डायटोमिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं और वो भी होमो डायटोमिक सिस्टम की, तो जो दो एनर्जी के ऑर्डर डिपेंड्स करते हैं कि एस पी टाइप की किस टाइप की एस पी मिक्सिंग हो रही है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो उसमें सिग्मा होगा पाई होगा, सिग्मा में क्या होगा फ्रेंड्स बीएमओ होगा और एबीएमओ होगा, बीएमओ में क्या होगा फ्रेंड्स जिराड होगा, एबीएमओ में हो गया अनजिराड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और पाई में क्या होगा पाई बीएमओ हो गया और पाई एबीएमओ हो गया। अब फ्रेंड्स ये इनवर्स में चलता है, अल्टरनेट चलता है, जैसे जिराड हो गया अनजिराड हो गया, फिर जिराड हो गया अनजिराड हो गया, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि बीएमओ में जिराड कैसे होता है, एबीएमओ में अनजिराड कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भरने का क्रम कि हम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को किस टाइप से भरेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, ये 1s लिखा है हमने, ये 2s लिखा है और ये 2p लिखा है, तो हम एनर्जी का कैसे ऑर्डर लगाएंगे, तो वही हुंस रूल को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिग्मा 1s हो गया, सॉरी फ्रेंड्स हुंस नहीं, ऑफ बहु के अनुसार, तो सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया। ओके फ्रेंड्स, सिग्मा स्टार 2s हो गया, फिर पाई सिग्मा 2pz हो गया, फिर पाई 2px हो गया, फिर पाई 2py हो गया, फिर पाई स्टार 2px हो गया, फिर पाई स्टार 2py हो गया, फिर पाई स्टार 2pz हो गया। तो ये फ्रेंड्स हमें पता ही है, सिग्मा जिराड होता है, सिग्मा अनजिराड होता है, सिग्मा जिराड होता है, ये मतलब अल्टरनेट में चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्पिन ओवर रूल, स्पिन क्रॉस ओवर रूल। तो स्पिन क्रॉस ओवर रूल में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो सेम सिमेट्री के टर्म्स होते हैं, जैसे ये टू है हो गया और ये टू हो गया, तो जो सेम सिमेट्री के टर्म्स होते हैं वो आपस में एक बार करीब आते हैं तो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका क्या होता है कि हाई बिकम्स हायर में चले जाता है और लो बिकम्स लोअर में चले जाता है। ओके फ्रेंड्स, कि ये दोनों सिमेट्री टर्म्स मैच कर रहे हैं 2p और 2s, तो ये सेम सिमेट्री के टर्म्स मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अट्रैक्शन होगा और जितना अट्रैक्शन होगा उतना रिपल्शन होगा, तो वो हाई बिकम्स हायर एंड लो बिकम्स लोअर। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, जो 2pz था पहले वो आपस में कंबाइंड हुए क्योंकि सिमेट्री मैच कर रही है, तो ये सेम उसी की तरह होता है जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम स्प्लिटिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे पी का T1g और F का T1GF, ओके फ्रेंड्स, तो सेम सिमेट्री के एटम्स होते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ी है,
ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, हाई बिकम्स हायर हो जाएगा तो 2pz हो जाएगा और ये लो बिकम्स लोअर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी ये सिमेट्री का सेम सिमेट्री इसमें भी मैच हो रही है, बट ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और देखिए जैसे ये 2s है और ये 1s है, तो SS तो है, सिग्मा जिराइड भी है, बट ये इतनी वीक होती है कि इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पिन ओवर क्रॉस रूल का फिनोमिना है और इन जनरल और आजकल की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट नहीं करता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 1s को हम नहीं दिखाते। ओके फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़े होंगे, अगर आपने शार्पलेस की बुक पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें 1s ऑर्बिटल्स को आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में नहीं दिखाते MO डायग्राम में। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट आते हैं कि डेल्टा ई, अगर एनर्जी का डिफरेंस हाई है, इसका मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट पर एटम से हाई है, तो एक तो एनर्जी का डिफरेंस वैसे ही हाई है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, 2pz, तो फ्रेंड्स 2pz नीचे रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर डेल्टा ई एनर्जी लो है, इसका मतलब और पास पास हैं, तो लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो उसमें स्पिन क्रॉसओवर रूल लगेगा, और वो कहां तक लगता है, Li2 Be2 C2 और N2। ओके फ्रेंड्स, बट अगर एनर्जी हाई हो जाती है ऐसे O2 और F2 के केस में, वहां पर स्पिन क्रॉसओवर रूल नहीं लगता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके S2 बनाते हैं, जैसे 1s प्लस 1s हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो सिग्मा 1s हो गया और ये सिग्मा स्टार 1s हो गया, तो साई प्लस साई 1, तो क्या हो गया, BMO हो गया, ये EBMO हो गया, तो साई नेट क्या हो गया, BMO में मतलब मैंने बताया था आपको एडिशन होगा सेम सिमेट्रिक एटम्स, तो साई 1 प्लस साई 2 हो जाएगा, और ये साई नेट में क्या हो जाएगा, साई 1 माइनस साई 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो साई 2 का अगर BMO कर रहे हैं तो साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 साई 2, अगर इसका हम निकाल रहे हैं तो ABMO में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साई 1 प्लस साई 2 स्क्वायर माइनस 2 साई 1 साई 2, इसका मतलब एनर्जी हाई होगा और इसमें एनर्जी लो होगा, एनर्जी जितनी ज़्यादा लो होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब BMO में ज़्यादा स्टेबल है, और एनर्जी इतनी हाई होगी उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है देखिए फ्रेंड्स, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो ये हमने आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा। ओके फ्रेंड्स, और जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, ये मैंने आपको वंडरवॉल फोर्सेस में बताया था, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन का बना रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर H2 बनाएंगे, तो इसमें 1s1 होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी का ही ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, ये सिग्मा 1s हो गया फ्रेंड्स, और ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। अब ये क्या होता है, ये आपको बताइए डेल्टा होता है, और ये बेरिशुडो सेंटर होता है, और यहाँ से इतनी डिस्टेंस और यहाँ से, तो ये फ्रेंड्स जी मतलब इसको कांस्टेंट आती है, और ये एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब अगर हम इस H2 का क्या, अब देखिए फ्रेंड्स, डिक्रीज इन एनर्जी ड्यूरिंग H2 फॉर्मेशन, तो H2 के फॉर्मेशन से कितनी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो 2 डेल्टा यानी डेल माइनस माइनस प्लस 2 डेल्टा माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड को डिसोशिएट करने में इतनी एनर्जी इसके ड्यूरिंग हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर हम H2 प्लस और H2 माइनस का अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स H2 हो गया, H2 में क्या हो गया, सिग्मा 1s हो गया, तो सिग्मा 1s में ये एक ऑर्बिटल्स में ही भर गया, तो यही होमो है, यही लोमो है, और ये लूमो इसका ये हो गया। अब H2 प्लस हो गया यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो एक ही बचा, तो यही सोमो है, यही होमो है, यही लोमो है, और यही लूमो है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब H2 माइनस में क्या होगा फ्रेंड्स, 2 तो पहले ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल में थे, अब नेक्स्ट कहाँ से आएगा, अगला इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो क्या हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, इसका 1 आ गया, तो बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइड बाय 2, तो हाफ हो गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 हाफ। तो फ्रेंड्स अब कहानी शुरू होती है कि अब हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे निकालें।
लगाएं इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक है और इनके हाफ हैं, तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो ये तो सबसे पहले आ जाएगा कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसका भी हाफ बॉन्ड ऑर्डर है, इसका भी हाफ, तो हमें कैसे पता लगेगा किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एच टू है, इसका मतलब दो प्रोटोन है, दो प्रोटोन आप इन दोनों को खींच रहे हैं। मतलब इन जनरल भाषा में हम सीख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रोटॉन्स हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर दो प्रोटॉन्स हैं, उनको तीन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना पड़ेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचना पड़ेगा, इसका मतलब रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन होने से क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पर दो प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन को तो इजीली खींच पाएंगे, बट यहाँ पर दो प्रोटोन तीन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली नहीं खींच पाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आ जाएगी H2-, फिर H2+, फिर H2। तो फ्रेंड्स, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया H2 और H2+ और H2-। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो ये MOT का पार्ट 1 हो गया, और मैं अगली नेक्स्ट वीडियो डालूंगा MOT पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 वाली वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के चैनल को, ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाते रहना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं अगली जैसी ही MOT की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास बेल आ जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।